जीवन दायिनी सिंधु नदी की अनगिनत इमॉर्टल स्टोरीज में से एक इसकी मरतूब ज़मीनों से मुतालिक है। मरतूब ज़मीनें बैनुल अक़वामी पानी के बहरान का कुदरती हल पेश करती हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है कि वेटलैंड ज़मीन से ऊपर और ज़ेरे ज़मीन आबी कैफियत के मजमूए का नाम है, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पेचीदा माहौलियाती निज़ाम बनाता है। मरतूब ज़मीनें माहौलियाती खिदमात के ज़रिए हयातियाती निज़ाम को बेहतर बनाती हैं, जिसकी अहम मिसालें मीठे पानी के मियार को बेहतर करना, ज़ेरे ज़मीन पानी को शफाफ रखना, सैलाबी ख़तरा में कमी लाना और हयातियाती तनवो को बरकरार रखना है। मरतूब ज़मीनों की माहौलियाती और मुआशी अहमियत को 1976 में शनाख्त किया गया, जब पाकिस्तान मरतूब ज़मीनों के बैनुल अक़वामी रामसर मुआहदा का हिस्सा बना। रामसर मुआहदा का हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान की मरतूब ज़मीनों के आधे हिस्से को अब भी मादूमियत का ख़तरा है। पाकिस्तान में मरतूब ज़मीनें सिकुड़ती जा रही हैं। 1970 से अब तक सिंधु के मरतूब ज़मीनों का एक तिहाई हिस्सा मिट चुका है, जिसकी वजह से मीठे पानी की मछली की तादाद में 80% तक कमी आई है। सनती आलूदगी और गैर कानूनी माही गिरी इस नुकसान की एक अहम वजह है। पाकिस्तान दुनिया में पानी की किल्लत से 2-4 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। मरतूब ज़मीनें बैनुल अक़वामी माहौलियाती बकाए हयात का ज़रूरी हिस्सा हैं। पानी की तकसीम, इसके कंट्रोल और नज़्म व ज़ब्त के अलावा हयातियाती तनवो में मरतूब ज़मीनें वसी माहौलियाती निज़ाम मुहैया करती हैं। ये सियाहत की फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा करती हैं। दुनिया भर में बेशुमार लोगों की बुदोबाश का ताल्लुक मरबूत ज़मीनों से वाबस्ता है। ये बायोलॉजिकल सुपर मार्केट्स हैं। इन्हें किडनी ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है। ये कुदरती न्यूट्रिएंट्स के ज़खीरे हैं, इसलिए इन्हें पावर हाउस ऑफ द इकोसिस्टम भी कहा जाता है। ये अजीमुल शान वाटर रिजर्वायर्स हैं। दरियाए सिंध की मरतूब ज़मीनें बेहतरीन सियाहती मकामात के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। तारीखी तौर पर सैलाबों और तूफ़ानों में ये मरतूब ज़मीनें बतौर प्रोटेक्शन वाल अपना किरदार अदा करती रही हैं। दरियाए सिंध के तास की मरतूब ज़मीनों को तिब्बती हमालिया से लेकर बहीरे अरब तक 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बालाई मरतूब ज़मीनें, सैलाबी मैदानों की मरतूब ज़मीनें और साहिली पट्टी की मरतूब ज़मीनें। पाकिस्तान में कुल 225 मरतूब ज़मीनों की निशानदही हुई है, जिनमें से 19 बैनुल अक़वामी रामसर साइट्स हैं।
वेट लैंड कम्प्लेक्स ऑफ सेंटर इंडस प्लेन। ये इलाका चश्मा बेराज से सखर बेराज तक फैला हुआ है। ये बल खाते दरियाई रास्तों, जजीरों, टापों, छोटी ढंडों, दरमियानी झीलों और सैलाबी मैदानों की नशेबी ढलवानों पर मुश्तमिल है। ये इलाका 708 किलोमीटर लंबा और 9 से 23 किलोमीटर चौड़ा है, जिसका कुल रकबा 9,700 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। ये इलाका मेहमान परिंदों की असल हवाई गुजरगाह है। इस रास्ते पर अब भी 66 अकसाम के मुहाजर परिंदे हर साल सफ़र करते हैं, जिनमें से कुछ अपनी मादूमियत के ख़तरे से दोचार हैं।